किया है, क्या बुशरा बीबी ने उनके ऊपर जो वो सब कुछ किया है। मैं इस चीज पे, अब हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इस वक्त की जो लीडरशिप है इमरान खान साहब के साथ वाली, इनमें कोई तपड़ नहीं है, इनमें कोई जुरत नहीं है, इनमें कोई वो नहीं है कि जिसके जरिए ये कम अज कम इतना कुछ का, एक साइड पे ये कहते हैं जी हम ये कफन बांध के सर पे आ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और दूसरी साइड पे इनके हालात देख के इंसान परेशान होता है कि ये अब उस शख्स की जंग लड़ रहे हैं कि जो अकेला तन तनहा भी कहता है मैं किसी भी तरीके से वो नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये अजीब किस्म की इनकी वो है। और अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा पैगाम सामने आया है, क्योंकि हम ये देखें ये जो ड्रामा बाजियां हैं, ये जो पहाड़ों पे चढ़ना और चाय पीना और सब कुछ हम सुन चुके हैं, अब हम इज्जत नहीं करेंगे इनकी, अब हम इनके इनका जो लॉलीपॉप है वो नहीं लेंगे। अगर बुशरा बीबी एक पैगाम लेके आई और उन्होंने कहा कि यही खान साहब का पैगाम है और यही जाना है, इसी को करना है, तो इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? आपने अगर ये करना था तो आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देते वहां पे कि भाई ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, हम यहीं से यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ेंगे, हम इधर ही बैठेंगे, फिर वहीं बैठते, ठीक है? तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आप वहां पे बैठे रहते तो आपको ये छोड़ देते? इन्होंने मारना तो मारना ही था, ठीक है? बहरहाल ये बड़ा मुश्किल वो मरहला है, इस पे जो है ना वो बहुत ज्यादा अफसोस तो है ही है, लेकिन स्ट्रेटजी इस पे क्या होनी चाहिए वो हम सारे इकट्ठे हैं, इसमें हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, बहुत कुछ है। और इसमें ये जो न्यूज़ आ रही है मुझे उसमें बहुत सदाकत लगती है कि इन लोगों को कोई एतबार नहीं है कि ये खान साहब को जो है ना इन्होंने शुरू कर दिया ये प्रोसेस। अब ये शायद हमारी जहन साजी करें, जब इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सदाकत होती है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। पीके मेरे साथ हैं, पीके आपने कंटिन्यू करना है। अनीस भाई आपके पास कुछ टाइम हो तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी बहुत ही ज्यादा टाइड अप रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे वाले साहब अभी भी आईसीयू में हैं, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। इस वजह से भी माजरत भी करता हूँ कि ये टाइम जो है वो जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन होपलेसनेस यकीन कीजिए इतनी हुई, इस कदर ज्यादा होपलेसनेस हुई। हम भी इंसान हैं, चाहे मैं डॉक्टर हूँ या जो भी हूँ, मैंने खुद आपको पता है किस तरह के पेशेंट ऑपरेट किए हैं, जो मैं आपको बता रहा था, अभी भी ट्रामा मैं फिजिशियन हूँ यहाँ पे, लेकिन इस कदर ज्यादा तकलीफ, इस कदर ज्यादा यूँ समझें कि हालत के जाहिर है बोलना, जब हम आपके सामने कैमरे के सामने आके बोलते हैं तो उसके लिए एक पावर चाहिए होती है, उसके लिए एक जुरत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात नहीं है, लेकिन एक हौसला चाहिए होता है। अब क्या हम यहाँ पे वो बात करें कि निहत्ते लोग कि जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा करके जो है ना ये बेगैरत शहबाज शरीफ जैसे कमीने लोग, घटिया लोग ये आके जो है ना लोगों को वो कहते हैं कि हम फतह के शादियाने बजाएं। और अफसोसनाक बात यह है कि जो हमारी पीटीआई की लीडरशिप है वो इनका बिछाए हुए जाल में जो है ना वो बिकी हुई है। जो ये क्वेश्चन करते हैं बजाय इसके कि वो उसको करें, ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते आप जाके, अगर आपको मौका मिलता है इन लोगों के सामने बैठने का, ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि निहत्ते लोगों के ऊपर गोली आपने क्यों चलाई है? ये क्यों क्वेश्चन आप रेज कर रहे हैं कि भाई बुशरा बीबी इनको वहां पे लेके गए? बुशरा बीबी का तो काम था, उसने तो लेके जाना था, ये है। और इनका जो मैं समझ